गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 20 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है छोटा करना, शॉर्ट बना देना। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, जब हम लोग बोलते हैं तो फिर उनको शॉर्ट करके बोलते हैं। ओके, लेट अस रीड फर्स्ट। In English grammar, like many other languages, we frequently shorten some combination of words when we speak. Okay, when we write, we substitute the missing alphabet with an apostrophe. A list of most commonly used contractions in English with their usage is given below. Okay, in English language, जब हम लोग बोलते हैं ना, तब सब उस समय हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट करके बोलते हैं। ओके, जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं या और भी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट करके भी बोलेंगे तो उसका मीनिंग सेम ही आता है। और जब हम इनको लिखते हैं, व्हेन वी राइट, तो हम लोग इसमें से, इन वर्ड्स में से कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ लेटर्स मिस कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो लेटर हटता है ना उसके प्लेस में अपोस्ट्रोफी आता है। यू नो व्हाट इज़ एन अपोस्ट्रोफी? अपोस्ट्रोफी स्टूडेंट्स, एक कॉमर होता है लेकिन वो ऊपर की तरफ दिया जाता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एन अपोस्ट्रोफी। ओके, सी द लिस्ट। जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। लाइक सी, ये वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी दिए हुए हैं। See the first one, I am, A-M-M, okay, I के साथ हमेशा हम लोग कौन सा helping verb use करते हैं? Am। जब इनको हम short करके लिखेंगे, जब हम इनको contract कर देंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? I apostrophe M, okay, A-M-M की जो spelling होती है, उसमें A नहीं आएगा, जब हम contract कर देंगे, तो A नहीं आएगा, और A के place में देखिए, अपोस्ट्रोफी आ जाएगा। ओके, और एक चीज़ और आप क्या नोटिस करेंगे कि जब आई ए एम एम लिखते हैं तो ये टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना, ये टू डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके वन वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ये एक वन वर्ड बन गया, आई एम। ओके, और ए के प्लेस में क्या आया है? अपोस्ट्रोफी। सेम वे द सेकेंड वाला देखिए, यू आर, ए आर ई आर, जब हम यू आर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह लिखेंगे? यू ए आर ई आर में से देखिए ए हट जाएगा। ओके, ए नहीं रहेगा और ए के प्लेस में क्या आ गया? अपोस्ट्रोफी आ गया। ओके, तो इसकी स्पेलिंग देखिए क्या हो गई, वाई ओ यू यू अपोस्ट्रोफी आर ई, यू आर। ओके, योर। नेक्स्ट देखिए, ही इज, ही इज को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनाया है? ही इज, अगेन ही अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि इज में से आई हट गया है ना, आई को मिस कर दिया है और आई के प्लेस में अपोस्ट्रोफी प्लेस किया है। ओके, सो इट हैज बिकम ही इज। ओके, नेक्स्ट शी इज, इट इज, सो आप ये नोटिस करेंगे जहाँ पर भी इज यूज़ हुआ है वहाँ पर इज की स्पेलिंग में से आई के प्लेस में आई मिस कर दिया है, हटा दिया गया है और आई के प्लेस में अपोस्ट्रोफी है। सो ही इज हैज़ बिकम हीज, शी इज हैज़ बिकम शीज, इट इज हैज़ बिकम इट्स। ओके, सी द एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, I am शॉर्ट करके I am going to the music class, you are का शॉर्ट करा है तो you're late again, okay, you're late again, you are late again नहीं कहा है, okay, इसको शॉर्ट करके क्या कर दिया है? you're late again, he is है को कॉन्ट्रैक्ट करा है तो he's हो गया, he's a good man, she is को कॉन्ट्रैक्ट करके she's बनाया गया है तो उसका सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? शी इज लर्निंग इंग्लिश। इट इज इट्स, इट इज कन्वर्ट किस में हो जाता है? इट्स। तो इट्स रेनिंग टुडे। ओके, नाउ अगेन सी ए आर ई आर सेकेंड वाले में, यू आर में देखिए आर के प्लेस आर को कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था?
ए आर ई आर में से ए मिस किया है, ए को हटाया है और ए के प्लेस में अपोस्ट्रोफी दिया है, तो वी आर ओके, वी डब्ल्यू ई वी अपोस्ट्रोफी आर ई, दे आर टी एच ई वाई दे अपोस्ट्रोफी आर ई दे आर ओके। एंड एग्जाम्पल्स क्या हैं, वी आर वेरी टायर्ड, दे आर नॉट गोइंग कमिंग टू आर हाउस टुमारो ओके। नेक्स्ट देखिए, आई हैव को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर दिया, आईव ओके, आई अपोस्ट्रोफी, यहाँ पर हैव में से टू अल्फाबेट्स हटाए हैं, एच ए ओके, हैव में से टू अल्फाबेट्स हटाए हैं, एच ए ओके। सो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आई हैव, आई अपोस्ट्रोफी वी ई आईव, इसको किस तरह आप रीड करेंगे, आईव ओके। सिमिलरली वी यू हैव, अगेन हैव का देखिए एच ए मिस किया है और एच ए के प्लेस में अपोस्ट्रोफी दिया है, सो यू हैव क्या बन गया, यूव ओके। वी हैव अगेन, अब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वी अपोस्ट्रोफी वी ई, वी हैव क्या हो गया, वीव, वी हैव को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वीव। दे हैव अगेन दे अपोस्ट्रोफी वी ई देव देव ओके। सो इसको हम लोग किस तरह रीड करेंगे, सी द सेंटेंसेस, आईव इनफ वर्क टू डू, आईव ओके, आईव बोलेंगे, आई हैव नहीं, इसको हमने शॉर्ट बना दिया है, तो वी विल से आईव इनफ वर्क टू डू। यू हैव को कॉन्ट्रैक्ट करके यूव बनाया, यूव गॉट माई बैग, वी हैव को शॉर्ट करके क्या बनाया है, वीव डिसाइडेड टू गो ऑन अ वेकेशन ओके। दे हैव को शॉर्ट करके क्या बनाया, देव गॉन टू मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, विल आई विल को जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, विल में भी यू विल सी विल से भी हम लोग टू अल्फाबेट्स हटा रहे हैं, दैट आर W और I, W I मिस करके उसके प्लेस में अपोस्ट्रोफी आ जाता है, तो I will क्या बन जाता है, I'll ओके। इसको किस तरह हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, I'll, You will become you'll ओके, You will क्या बन जाएगा, you'll, He will he'll, She will she'll, They will they'll ओके। और किस तरह लिखा गया है देखिए, आई विल, आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, यू विल को शॉर्ट करके कैसे लिखा गया है, यू अपोस्ट्रोफी डबल एल यूल, ही विल को शॉर्ट करा है तो ही अपोस्ट्रोफी डबल एल हील, शी विल को शॉर्ट कराया है तो शील, शी अपोस्ट्रोफी डबल एल, दे विल को शॉर्ट बनाया है तो देल, दे अपोस्ट्रोफी डबल एल ओके। सो अब देखिए हम लोग सेंटेंस जब रीड करेंगे, आई विल को शॉर्ट कराया ना, सो आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट टुनाइट। नेक्स्ट यू विल का शॉर्ट करा है यूल, यूल हैव टू कम टू द पार्टी। नेक्स्ट ही विल को शॉर्ट बनाया है तो ही'ल बी कमिंग बैक इन 15 मिनट्स। शी विल को शॉर्ट करा है तो शील बी हैप्पी टू सी यू। दे विल हैज बिकम देल, देल बी कमिंग हियर टुमारो ओके। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, आर नॉट ओके, आर नॉट को शॉर्ट किया है, किस तरह बनाया है इसको, आंट, आंट और आरंट ओके, आरंट नहीं कहा जाता है बट इट इज आंट ओके। सो आर नॉट को शॉर्ट किया है, आर पूरा लिखा है लेकिन नॉट को शॉर्ट किया है, स्टूडेंट्स देखिए नॉट में से ओ को
ओ को मिस किया है, ओ को हटाया है और ओ के प्लेस में अपोस्ट्रोफी है. ओके, सो आर नॉट हैज बिकम आंट. कैनॉट, कैनॉट में देखिए डबल एन ओ टी है ना, तो यहाँ हम जब कैनॉट को शॉर्ट करेंगे तो कैनॉट विल बिकम कांट. तो किस तरह लिखा है, सी ए एन, डबल एन है ना, लेकिन यहाँ हम लोग एन ओ दो अल्फाबेट्स मिस करेंगे, यहाँ से एन ओ हट जाएगा और एन ओ के प्लेस में क्या आया है, अपोस्ट्रफी. ओके, सो कैनॉट हैज बिकम कांट. शुड नॉट हैज बिकम शुडेंट. अगेन देखिए नॉट में से ओ मिस किया है, अपोस्ट्रफी दिया है. ओके, मस्ट नॉट हैज बिकम मसेंट. ओके, कुड नॉट कुडेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स ये जब नॉट आते हैं ना, नॉट वाले वर्ड्स आते हैं तो उसमें से ओ मिस करते हैं नॉट में से और अपोस्ट्रफी आता है उसके प्लेस में. ओके, लाइक सी द एग्जाम्पल्स, देखिए एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, We aren't sure about the route. Aren't means are not. Okay, we aren't sure about the route. I can't solve this puzzle. Can't, cannot का can't हो गया है. Okay, now we shouldn't enter the building after dark. Okay, should not has become shouldn't. Must not has become mustn't. You mustn't be late for work. And could not has become couldn't. We couldn't find your house. Okay. Come to the next page, students. Turn to the next page. That is page number 92. 92 में भी देखिए, page number 92 में भी there are words that has not. Okay. Not में देखिए, again not का आपको याद रहना चाहिए कि जब not words आते हैं ना तो फिर not में से o miss होता है और o के place में apostrophe आता है. Similarly, see, did not has become didn't. जब did not को short करेंगे तो वो क्या बन गया, didn't. Okay, do not has become don't. Had not hadn't. सेम यूसेज है, नॉट के प्लेस, नॉट में ओ के प्लेस में अपोस्ट्रफी दिया हुआ है. ओके, हैव नॉट हैज बिकम हैवेंट, विल नॉट विल बिकम वोंट. यस, जब आपका विल नॉट आएगा ना तब आपको ये याद रखना होगा, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, दैट इज डब्ल्यू ओ एन apostrophe t, won't. Will not becomes won't. Would not will become wouldn't. Okay, so students, see, let us see their usages. Okay, did not ka kya short form tha, didn't. Example kya diya hai, he didn't complete his homework. Do not ka short form hai don't. I don't know his address. Had not, hadn't. I hadn't studied for the English examination. Have not, haven't. I haven't seen him for months. Will not का short form होता है won't. The usage is I won't be going to the tennis court today. Wouldn't, okay, would not का short form होता है wouldn't. It wouldn't have been possible to complete the work. Okay, students, now let us see other short forms. What are they? Is, what is, what are, who is, who are, where is. Okay, now is और are का short करने का method आपको पीछे प्रीवियस पेज में मैंने आपको बताया था. जब इज़ आता है तो उसको जब हम लोग शॉर्ट बनाते हैं वर्ड के साथ, व्हाट इज़, तो इज़ में से आई मिस किया जाता है यानी कि हटा दिया जाता है और आई के प्लेस में अपोस्ट्रफी आता है. और आर जब यूज़ होता है तो आर में ए मिस किया जाता है, ए हटाया जाता है और ए के प्लेस में अपोस्ट्रफी आता है. ओके, सो किस तरह लिखते हैं, व्हाट इज़ will become what's, what are will become what are. Okay, who is, whose, who are, who are.
वॉट इज वेयर इज वेयर्स. ओके, सो आप इसको किस तरह सेंटेंसेस में यूज करेंगे. वॉट इज का शॉर्ट फॉर्म इज वॉट्स. वॉट्स द टाइम. वॉट आर का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉट आर. वॉट आर यू डूइंग हियर. ओके, हु इज हूज. हूज कमिंग विद अस. हु आर द पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस. वेयर इज का शॉर्ट फॉर्म वेयर्स. वेयर्स द कॉफी शॉप. वेयर्स द कॉफी शॉप. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल हैव टू लर्न ऑल दिस. सब में आपको मेथड याद रखना पड़ेगा. जब आर आता है तो आपको किस तरह उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इज में किस तरह, हैव में. सो ये अगर आप याद रखेंगे ना स्टूडेंट्स कि कौन से वर्ड में मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है और कहाँ आपको अपोस्ट्रोफी प्रॉपर प्लेस में प्लेस करना है, तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. और प्लस विल नॉट जो है, विल नॉट का आपको याद रखना पड़ेगा कि विल नॉट का वर्ड ही पूरा चेंज हो जाता है. विल नॉट becomes won't. Okay students?